गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट देखते हैं। इसमें एफ एक्स दिया हुआ है 1 प्लस एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3 एंड 7 माइनस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो एट कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स बराबर 3। तो लेट स्टार्ट एट एक्स बराबर 3 पर चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव व्हेन x लेस देन 3 फंक्शन विल बी 1 प्लस x। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 प्लस x। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस फंक्शन की वैल्यू जब x ग्रेटर देन क्या है 3 क्या होगी 7 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा आपके पास 7 माइनस एक्स इक्वल टू 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 है राइट हैंड लिमिट भी 4 है। अब पर्टिकुलर 3 पर इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यानी कि f3 क्या होगी 1 प्लस 3 यानी कि 4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ 3। तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमने फाइंड कर ली राइट हैंड लिमिट फाइंड कर ली और फंक्शन की एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट 3 पर वैल्यू भी क्या है सेम है। तो फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें डी पार्ट है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाई टू एंड लेस देन इक्वल टू 0 टेन एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू। तो 0 पर हमें क्या कर रहे हैं फंक्शन हमारा 0 ब्रेक हो रहा है। तो 0 पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो क्या करेंगे सबसे पहले एट एक्स इक्वल टू 0 तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 नेगेटिव और जब 0 नेगेटिव लेंगे तो हमारे पास एफ एक्स फंक्शन क्या लेंगे हम लोग व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू 0 तो एक्स लेस देन इक्वल टू 0 एक्स लेस देन इक्वल टू 0 कहाँ पर है यहाँ पर यानी कि साइन एक्स। तो हमारे पास फंक्शन हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 नेगेटिव साइन एक्स। ठीक इसको आप अगर एक्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो लेट एक्स बराबर 0 इक्वल 0 माइनस एच एज एक्स टेंडिंग टू 0 एच ऑल्सो टेंडिंग टू 0। तो फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन 0 माइनस एच। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस साइन एच लिमिट पुट करोगे आप लोग तो क्या हो जाएगा आपके पास माइनस साइन 0 बराबर 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आती है 0। नाउ वी विल फाइंड राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होगी लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 x इज ग्रेटर देन 0 कहां पर है तो क्या होगा tan x। फंक्शन क्या होगा हमारे पास यहां पर tan x। तो यहां हो जाएगा आपके पास tan लेट x इक्वल टू 0 प्लस एच एज एच टेंडिंग टू 0 एच ऑल्सो टेंडिंग टू 0 लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और टेन क्या हो जाएगा आपके पास टेन 0 प्लस एच और लिमिट एच टेंडिंग टू 0 टेन एच। जब आप लिमिट पुट करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा टेन 0 विच इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास 0 है राइट हैंड लिमिट भी आपके पास 0 है। पर्टिकुलर पॉइंट 0 पर वैल्यू कहाँ बराबर है इक्वल टू कहाँ है यहाँ पर। तो हम फाइंड करेंगे f क्या करेंगे f0 फाइंड करेंगे। तो f0 फंक्शन की वैल्यू क्या हमारे पास साइन x। तो क्या हो जाएगी आपके पास साइन 0 विच इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0। तो सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो fx क्या हो जाएगा fx इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू किस पॉइंट पर 0 पर। तो ये जो पर्टिकुलर फंक्शन दिया है हमें
जो जीरो पर ब्रेक हो रहा है वो जीरो पर क्या होगा, फाइनली कंटिन्यूस होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट ई में। एफ एक्स एफ एक्स इक्वल टू कोस वन अपॉन एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो इफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं एक्स इक्वल टू जीरो पर। तो एट एक्स इक्वल टू जीरो लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो निगेटिव। जब फंक्शन हमारा क्या है जीरो से लेस देन है, तो यानी कि जीरो से बराबर नहीं है, जीरो से लेस देन है, तो क्या होगा कोस वन अपॉन एक्स कोस वन अपॉन एक्स लेट एक्स इक्वल टू जीरो माइनस एच एज एक्स टेंडिंग टू जीरो एच ऑल्सो टेंडिंग टू जीरो। तो क्या हो जाएगा हमारे पास लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो कोस वन अपॉन जीरो माइनस एच, यानी कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो कोस माइनस थीटा विल बी कोस थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस वन अपॉन एच। कोस एक्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है माइनस वन टू प्लस वन। तो क्या हो जाएगा जब लिमिट पुट करेंगे एनी फाइनाइट वैल्यू कोस वन अपॉन जीरो इक्वल टू एनी फाइनाइट वैल्यू बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन। तो कोई भी फाइनाइट वैल्यू हो सकती है माइनस वन और प्लस वन के बीच में। ये हमारे पास क्या होगी लेफ्ट हैंड लिमिट, कोई भी फाइनाइट वैल्यू। अब राइट हैंड लिमिट क्या होगी, राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो और जीरो क्या हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव, जीरो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो वैसे जीरो जब पॉजिटिव हो जाएगा पॉजिटिव रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी कोस वन अपॉन एक्स। तो क्या होगी कोस वन अपॉन एक्स लेट एक्स इक्वल टू जीरो प्लस एच एज एक्स टेंडिंग टू जीरो एच ऑल्सो टेंडिंग टू जीरो। सेम प्रोसेस है बिल्कुल जो हर क्वेश्चन में अप्लाई करते जा रहे हैं। तो हमारे पास एच टेंडिंग टू जीरो कोस वन अपॉन जीरो प्लस एच लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो कोस वन अपॉन एच और जब लिमिट पुट करते हो तो वही है आपके पास एनी फाइनाइट वैल्यू बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन। तो ये भी एनी फाइनाइट वैल्यू क्योंकि कोस वन अपॉन जीरो और ये भी कोस वन अपॉन जीरो तो एनी फाइनाइट वैल्यू। लेकिन फंक्शन की एट दैट पर्टिकुलर वैल्यू जो है यानी कि एफ जीरो पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो जीरो और ये कोई फाइनाइट वैल्यू है लेकिन जीरो है या नहीं है इसका कुछ नहीं पता। तो हमारे पास क्या है जीरो नहीं है, यहाँ पर क्या होना चाहिए थे जीरो। तो हमारे पास तीनों की तीनों कंडीशन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू बराबर नहीं है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू एफ जीरो। तो फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूअस, एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू कितना जीरो। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि आपने जो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड की है उसमें आपको यहाँ पर पता चलेगा कि एनी फाइनाइट वैल्यू, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट में कोई भी हमारे पास फाइनाइट वैल्यू आई है लेकिन हमें ये नहीं पता है वो एक्चुअल में है क्या, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो अगर आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट है जो एनी फाइनाइट वैल्यू है और फंक्शन की वैल्यू जीरो है तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू एफ जीरो सो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। राइट हैंड लिमिट आप फाइंड करो या ना करो इससे कोई फर्क नहीं। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस ए कोसेक एक्स माइनस ए इफ एक्स डज नॉट इक्वल टू ए जब एक्स क्या है ए के बराबर नहीं है। नेक्स्ट वैल्यू से क्या होगी जीरो जब फंक्शन क्या है फंक्शन पर एक्स की वैल्यू क्या है ए। तो ए पर कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल टू ए। तो ए पर जब चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट सेम प्रोसेस क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए निगेटिव। ए निगेटिव यानी कि जब ए के जस्ट बराबर नहीं है यानी जस्ट बराबर इक्वल टू नहीं है तो इक्वल टू कहाँ है यहाँ पर नहीं है तो फंक्शन हमारे पास क्या होगा ये होगा और ये क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स माइनस ए कोसेक एक्स माइनस ए। क्या करेंगे कन्वर्ट कर लेंगे लेट कर लेंगे एक्स बराबर ए माइनस एच
एज एक्स टेंडिंग टू जीरो, सॉरी एक्स टेंडिंग टू ए, एस ऑल्सो टेंडिंग टू जीरो। यहां से देखो, जब एक्स ए के पास जा रहा है तो एक्स ऑलरेडी कहाँ जा रहा है, जीरो। ये कब ए हो सकता है, जब ये एच जीरो हो जाए, ये ध्यान रखना है इसमें। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और वन अपॉन ए माइनस एच माइनस ए और कोसेक ए माइनस एच माइनस, वैल्यू पुट कर दिया हमने। जहां जहां पर भी क्या है, एक्स है, वहां पर क्या हो जाएगा, ए माइनस एच, और एच एक्स टेंडिंग टू ए था तो एच टेंडिंग क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो गया जीरो। अब इसको ओपन करते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो वन अपॉन ए माइनस एच माइनस ए कोसेक, ए से ही कैंसिल हो जाएगा माइनस एच, यहाँ पर भी ए से ही कैंसिल, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और ये एच बाहर आ जाएगा माइनस कोसेक एच अपॉन माइनस एच, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट का क्वेश्चन बन चुका है हमारे पास, इसको हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और वन अपॉन कोसेक, कोसेक को लिख देंगे साइन एच इंटू साइन एच। लेकिन अभी भी इस तरीका हमारे पास सेट नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, अपॉन में तो एच से डिवाइड कर देते हैं और इंटू में एच से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि ये एच कहाँ चला जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसकी लिमिट पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो वन अपॉन एच स्क्वायर इंटू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो वन अपॉन साइन एच अपॉन एच, तो ये वैल्यू आपको पता है वन है, और ये क्या हो जाएगी, वन अपॉन जीरो इंटू वन अपॉन वन, तो क्या हो जाएगी आपके पास, इनफाइनाइट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमने क्या फाइंड की, इनफाइनाइट, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी इनफाइनाइट एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट शो नहीं हो रही है, एग्जिस्ट नहीं आ रही, कोई फाइनाइट नहीं आ रही, तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास चाहे कुछ भी आ जाए, हम चाहे राइट हैंड लिमिट कुछ भी फाइंड करें, जब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी नहीं पता है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। वैसे भी लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू फंक्शन, तो हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू एफ जीरो, तो एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर कितना है, जीरो। एक्स बराबर जीरो पर क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, ये फंक्शन है एक्स बराबर जीरो पर क्या है, कंटिन्यूअस।